नमस्कार, मैं शुभांगी अग्रवाल हापुड़ हलचल के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव लुटपुरा में जरा सी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आई। आरोपी बबलू और नीतू व नरेंद्र व जीतू और भुल्लन ने अपने कुछ दबंग साथियों के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले 34 वर्षीय मदन पाल और राम सिंह व विशाल को घर में घुसकर लाठी डंडों सहित धारदार हथियारों से बड़ी ही बेरहमी से पीटा, जिसमें मदन पाल की हालत नाजुक हो गई। पुलिस ने पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। क्या मामला हुआ था? आप सीओ साहब के यहाँ पे आयो? सुनवाई नहीं हुई आपकी? जी, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक? एक के। और बाकी कितने लोग अभी फरार हैं? कितने लोग फरार हैं? 5। सीओ साहब के बीबी नगर थाने में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक भेज दिया ना जेल, बाकी 8 जने थे, 8 में से एक ही गया, 7 बिल्कुल बाहर है, वे धमकी दे रहे हैं हमें। तो थाने में आप गए, वहाँ पे क्या बोला? वो भगा देते हैं जी थाने वाले। अब भी थानेदार साहब से हमने वो मांगा था, वो मेडिकल, उन्होंने कहा इनको मेडिकल ऐसा नहीं मिलेगा, आपको मेडिकल नहीं मिलेगा। पन्ना के लड़के ने, पन्ना ने कल धमकी दी है इनको, ऐसे ही मारेंगे। फिर बताया जा रहा है कि आरोपी बबलू बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति है, जिस पर अब से पहले कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 308 जैसी अन्य कई गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बबलू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तार नहीं हो रही है। पुलिस द्वारा कार्यवाही होने पर गांव के दर्जनों लोग सीओ सियाना के दरबार पहुंचे। सीओ सियाना ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। सर, बीबी नगर थाना क्षेत्र में एक घर में घुस के वारदात हुई थी, उसमें एक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गया था, तो सर उसमें कुछ फरियाद लेकर आए हैं, तो सर क्या है पूरा मामला? हाँ, उनकी बात पूरी सुनी गई। उनके आपसी परिवार का ये विवाद है, वो मकान को लेकर लड़ाई हो गई, डंडे वंडे एक दूसरे के मार दिए, घायल हो गया, उसको पुलिस पहुंची, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया, और जो इन्होंने तहरीर दी थी उसके आधार पर 3 के नाम से एक की गिरफ्तारी हो पाई है, दूसरे जो 2 बचे हैं शेष उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, ऐसा उनको बता दिया गया है, तत्काल उनकी गिरफ्तारी। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।